क्या नाम है आपका? आप अली बदरुद्दीन हैं? सर कैसा रहा आपका सफर? वलैद से इधर आने में 7-8 घंटे तो लग जाते होंगे। मौसम बहुत गर्म है यहाँ। हाँ साहब मौसम गर्म तो है, लेकिन आप अच्छे मौसम में आए। चंद दिनों के बाद इधर बारिश मारिश होने वाला है। खान उधर विलायत में मेरी स्टोर पर काम करता है, हमारा दोस्त है ना। हाँ जी सर, वो तो मेरे को बहुत मदद हो गया उससे मिले। उसका फोन आया था, वो मेरे को बोला कि आपको लेकर किसी अच्छे होटल तक जाना है। तो क्या सर वो स्टोर बंद है? दिलबर खान बता रहा था। और इसके अलावा उसने कुछ कहा नहीं था? जी सर, यही कि उसका बताया उसने कि आपका यहाँ इधर कोई ख़ास काम है, उसमें मैंने आपका मदद करना है। मेरा दुबई में फ़िलहाल कोई वाकिफ नहीं है, लेकिन अगर मैं उस तक पहुँच जाऊँ जिसकी तलाश में आया हूँ तो। सर ये छोटा सा जगह है, इधर ढूंढना किसी को कोई मुश्किल काम नहीं है। किसी को ढूंढ लेना और उस तक पहुँचने में बहुत फर्क होता है। ये 21वीं सदी है सर, इस दौर में कोई काम भी नामुमकिन नहीं। ये अच्छा 5-स्टार होटल है, आप इधर रहना पसंद करेगा? हाँ बस कहीं भी, ये 4 सितारे और 5 सितारे से कोई फर्क नहीं पड़ता। बस दुआ करो कि जिन 4 सितारों के लिए मैं यहाँ आया हूँ वो मुझे मिल जाए। खैर मुनीब खान लाला, क्या हाल है? ठीक ठाक। और यार समंदर खान आजकल तुम किधर है? बिल्कुल नजर नहीं आते। इस दफा तुम जुमे का नमाज के बाद भी मसाजर खान के डेरे पे नहीं आए। यार लाला तुमको तो पता है हमारा ड्यूटी ऐसा है, अभी भी इधर ड्यूटी पे। मादाम का कुछ मेहमान आया है, उनका ड्यूटी है, बस फुर्सत नहीं मिलता। यार अभी एक मेहमान आया है उधर इंग्लैंड से। मेहमान? हाँ उसको छोड़ने के लिए आया मैं, जल्दी हमें जाएगा। जा रहे हैं? ओके, खुदा का पामान। माफी चाहता हूँ साहब, मेरा एक दोस्त मिल गया, थोड़ा देरी हो गया। नहीं कोई बात नहीं, लगता है तुम्हारा बहुत करीबी दोस्त है जिसके लिए तुम रुक गए हो। हाँ जी बस क्या बोले, भाइयों जैसा है। इधर एक बहुत बड़ा कंपनी में काम करता है, समंदर खान नाम है, बहुत अच्छा आदमी है। उसका मालकन बहुत अमीर औरत है साहब। अच्छा कौन है? आज मादाम आज, और ये उसका खास ड्राइवर है। 12 महीने हमको नहीं मिलता, बहुत देर के बाद मुलाकात होता है, बहुत मसरूफ आदमी है आज। मुनीब खान तुम ठीक कहते थे, दुबई बहुत छोटी जगह है, यहाँ किसी को ढूंढ लेना कोई मसला नहीं है। साहब आप भी बिल्कुल ठीक बोलता था, किसी को ढूंढने में और उस तक पहुँचने में बहुत फर्क होता है। सही कहा तुमने। अच्छा मैं जरा अंदर चेक इन हो जाऊँ, उसके बाद एक दूसरी जगह जाना है। वो कैसे कह सकते हैं हमने उनको टाइम पर इन्फॉर्म नहीं किया? सच वर्कर्स शुड बी फिक्स्ड। आज ग्रुप ऑफ कंपनीज में ऐसे लेजी वर्कर्स की कोई गुंजाइश नहीं है। मैडम हमने सारी फैक्सेस कर दी हैं और ईमेल पर भी सारी इंस्ट्रक्शन भेज दी गई हैं। अगर कंसाइनमेंट की डिलीवरी आज नहीं हुई तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। आज ऐसी बातें नहीं सुनना चाहती। कल सुन लेंगे। ये मजाक का वक्त नहीं है सर, अगर वो हम पर ट्रस्ट करती है वी शुड नॉट चीट हर। मैडम आज को कौन चीट कर सकता है मिस सोफा? उनके जैसी बिजनेस वुमन ना पहले कभी देखी ना सुनी। इसलिए तो कह रही हूँ वक्त जाया मत करें, फर्स्ट अवेलेबल फ्लाइट से आप दमाम पहुंच जाएं। ये डील खराब नहीं होनी चाहिए। एंड मिस्टर यूसुफ दिस टाइम आई वांट पॉजिटिव रिजल्ट्स।
ओके मैम, मैं मैडम के ऑफिस में मैसेज छोड़ दूंगा। आज ग्रुप ऑफ कंपनीज में मैसेजेस नहीं, फैक्स और फिगर्स के साथ रिजल्ट्स छोड़े जाते हैं। ऑलराइट मैम। सिर्फ अपनी सेहत का ही ख्याल है या फिर आपको किसी और की भी खबर है? हाँ, मुझे पता है, हेड ऑफिस में मीटिंग है, मैं पहुंचता हूँ आधे घंटे में। मीटिंग मीटिंग, भाई कॉफी पिलाने का वादा किया था जनाब ने। देखो नाला, मेरे हिसाब से वर्किंग आवर्स में ऐसा ब्रेक एक क्रिमिनल एक्ट है। और अगर इस वक्त मेरे बजाय किसी और ने कॉल किया होता? अच्छा तुम ऐसा करो, मेरे ऑफिस पहुंचो, मैं काम से फुर्सत निकाल के पहुंचता हूँ। जैसे हुजूर का हुक्म। यूं भी तो जनाब हमारे बॉस ठहरे, सारा दिन ऑफिस में आपका हुक्म बजा लाते हैं, तो इस वक्त इनकार क्यों? समुंदर खान। सलाम अलैकुम लैला बीबी। ये मादाम ने फाइल भेजा है जी, साहब किधर है? वो इस वक्त ऑफिस में नहीं है, मुझे दे दो, मैं उन्हें पहुंचा दूंगी। अच्छा ठीक है जी, बाकी बात शायद वो खुद फोन पर कर लेंगे। हाँ ये बताओ, तुम्हारी बीवी का क्या हाल है, दुबई में सेटल हो गई? हाँ जी, उसका तो दिल लग गया जी, ये तो दुबई है। अच्छा नाला बीबी, अब हम चलते हैं जी, खुदा हाफिज़। अगर अभी ये फाइल उसे पहुंचा दी तो वो इस पर एक्शन करने के चक्कर में सारे होटल के मुलाजमीन को एक्शन में ले आएगा। पुतले को तो इशारा चाहिए नाचने का। मैं कॉफी पीने के बाद ही दूंगी उसे ये फाइल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दानियाल, अहमद दानियाल। नाइस मीटिंग यू जी। सेम हियर। मैं आज ग्रुप ऑफ कंपनीज का सीनियर मोस्ट एग्जीक्यूटिव हूं। मैडम आज को मैं ही रिप्रेजेंट करता हूं। अपने कॉफी पी? हां जी, थैंक यू। एनीथिंग एल्स, कुछ और मंगवाऊं आपके लिए? नहीं जी शुक्रिया, आप यकीनन बहुत मसरूफ होंगे। हां जी 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 जी। मैं जी एक्चुअली आज ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज पे एक फीचर लिखना चाह रही हूं, खासूसन मैडम आज के बारे में। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी इसमें हेल्प करेंगे। और बल्कि आप मेरा कार्ड ले लीजिए, मैं गल्फ टुडे में पैनोरामा मैगजीन को रिप्रेजेंट करती हूँ। जी जी, आई नो यू, मैं जानता हूँ आपको बहुत अच्छी तरह से। आप ये बताइए कि आप आज के बारे में क्यों लिखना चाहती हैं? देखिए जी, सारे गल्फ में जहाँ इतने बड़े बिजनेस टाइकून्स हैं, एक यंग और तन्हा औरत ने एक इतनी बड़ी बिजनेस संभाल रखी है, मेरे लिए इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक क्या हो सकता है? 3 वर्ष पहले जब मादाम के शौहर जमशेद बदुद्दीन का इंतकाल हुआ था, तो तब भी बिजनेस इसी ही लेवल पे था। आप ये कहना चाहते हैं कि एक इतने बड़े बिजनेस एम्पायर को टेक ओवर कर लेना कोई बड़ी बात नहीं है कि फिर? जी नहीं, अब हम ये भी नहीं कह सकते कि मादाम आज ने चलते हुए कामयाब बिजनेस को टेक ओवर किया है। एक्सक्यूज मी। हाँ शरीफ, क्या है? मैंने तुमसे बोला था कि मैं एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में हूँ। आप कमाल करते हैं आप भाई, मुझे आधे घंटे के बाद फोन कीजिए आप। जा। एक्सक्यूज मी। एक तो जो काम है बस वो मेरे ऊपर डालते हैं। I'm so busy, मैं क्या बताऊँ आपको। एनीवे, आप क्या कह रही थी? जी मैं ये कह रही थी कि जहाँ तक मेरे पास फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, आज ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज ने सही तरक्की तो बदरुद्दीन साहब की फौतीदगी के बाद ही की है, बल्कि सुनने में आया है कि उनकी उनकी जिंदगी का आखिरी साल इस कंपनी के जवाल का साल था। और ये तो मादाम आज की हिम्मत और काबिलियत की वजह है कि ये कंपनी इतनी सक्सेसफुल है। इनफैक्ट यही क्यूरियोसिटी तो मुझे आपके पास खींचे चले आई है। आप शायद भूल रही हैं मिस मलाइका, गल्फ में कोई भी एक्सपैट इंडिपेंडेंटली बिजनेस नहीं कर सकता। यू मीन हमाद बिन सोले? क्या ये मुमकिन है कि आप मेरी उनसे एक मरतबा मुलाकात करवा दें? जी नहीं, नामुमकिन।
क्यों? हमाद बिन साले उन लोगों से ताल्लुक रखते हैं जो सहरा का दामन कभी नहीं छोड़ते। अगर ये लोग सहरा से बाहर आ भी जाएं, तो सहरा इनके अंदर रहता है। मैं कुछ समझी नहीं आपकी बात। मैं समझाता हूँ आपको। देखिए, समंदर की मछली समंदर में ही रहती है, दरिया में नहीं जाती। इसलिए कि दरिया समंदर में गिरता है, समंदर दरिया में। Well said. जहाँ तक मेरा ख्याल है, मैं एक साथ बाजार जाकर प्रेजेंट खरीदना था और मैं काफी देर से जनाब का इंतजार कर रहा हूँ। लुक, मैं मिस्टर एंड मिसेस तुफैल की वेडिंग एनिवर्सरी में नहीं जा रही। ये प्रेजेंट लो और तुम अकेले चले जाओ। लेकिन जहां तक मुझे याद पड़ता है कि तुम्हें ने कहा था कि उनके डिनर पर एक साथ जाएंगे। कहा था, बट आई चेंज माय माइंड। व्हाट्स अ बिग अबाउट इट? उफ, She spoiled my hair. उसे कहा था डार्क ब्राउन करने, उसने मुझे टोटल ब्लॉन्ड लुक दे दिया। हेट इट। तो इससे क्या फर्क पड़ता है? देखो सवेरा, हमने उनसे वादा किया है और फिर मिस्टर और मिसेस तुफैल मेरे ही नहीं, तुम्हारे और तुम्हारे डैडी के अच्छे फ्रेंड्स में से हैं। सवेरा, हम इस वक्त घर में हैं और घर में आप उनके दामाद हैं और मेरे शौहर। लुक, आई डोंट वांट टू गो। मुझे पार्टी में नहीं जाना, तुम्हें जाना तो तुम अकेले चले जाओ। डैडी से कोई भी बहाना पुट अप कर देना, लेकिन तुम शायद ये ना कर पाओ, क्योंकि इस शहर में तुम्हें ये जॉब और ये स्टेटस उन्हीं की वजह से तो मिला हुआ है। ये दुरुस्त है, आज ग्रुप ऑफ कंपनीज में मुझे जो अपॉइंटमेंट मिली है वो तुम्हारे डैडी ने मुझे दिलवाई थी। लेकिन अब मेरा इधर रहने का मकसद कुछ और है। वो औरत मुझ पर ट्रस्ट करती है और ये मेरी प्रोफेशनल कमिटमेंट है। औरत? तुम आज को औरत कहते हो? शी इज नॉट अ वुमन, वो एक मशीन है। मशीन, एक रूथलेस और हार्टलेस मशीन, पैसा मल्टीप्लाई करने की मशीन।
इस्तांबुल में जो बिजनेस डेलीगेशन हो रहा है वो मिस्टर मुमताज को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। मैं रोहेल अनवर की परफॉर्मेंस से बिल्कुल खुश नहीं थी। रोहेल अनवर को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से नॉमिनेट किया था। मैडम कैपिटल्स की मीटिंग कैसी रही? मैं शिपिंग कंपनी से बहुत मायूस हूँ। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स ने भी मैडम वो मिस्टर खिलानी आपके लिए खुशखबरी, कुवैत का टेंडर दोबारा खुलने वाला है। वेरी गुड। और इस दफा टेंडर्स हम एक नए अंदाज से भरेंगे। वफा मुझे ईवीएम के स्प्रेडशीट्स दिखाना जरा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग तो फिर डिले होती जा रही है। मैंने रिमाइंडर भेज दिया। मैंने आपको कितनी मर्तबा कहा है कि मेरे अहम फैसलों के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का इंतजार ना कीजिए। ओके। वर्बल अप्रूवल ले लें। वो एक जर्नलिस्ट है मिस मलाइका, वो काफी अरसे से अपॉइंटमेंट मांग रहे हैं। आपको पता है कि मुझे इंटरव्यूज का कोई शौक नहीं, उनको मना कर दीजिए। ओके। सादिया जरा कॉफी पिलाना। मगर आज गर्ल्स टुडे एक बहुत इंपॉर्टेंट अखबार है और उसके मैगजीन पैनोरामा के लिए फीचर बहुत जरूरी है। अच्छा फिलहाल तो मैं अबू धाबी से बहुत काम लेके आई हूँ, जब फारिग होंगी तो देखी जाएगी। फराज। हेलो फराज, कैसी हो? आई एम फाइन। कल तुम मीटिंग में ही नहीं आए, ऐसा गायब हुए कि फिर नजर ही नहीं आए। हालांकि गायब होने का बहाना तो मेरे हाथ में है। एक मिनट, कमाल करती हो तुम लैला। ये फाइल तुम्हारे पास है? तुम जानती हो हेडक्वार्टर से 3 मरतबे टेलीफोन आ चुके हैं मेरे पास इसके लिए। और वैसे भी बादाम आज इस तरीके से जो क्लाइंट्स के मामला थे उनको डिस्पोज ऑफ करने में देर करना पसंद नहीं करती। बॉस क्या पसंद करती है और क्या नहीं फराज, मुझे इससे कोई सरोकार नहीं। तुम मेरे बॉस हो और मुझे ये देखना पड़ता है कि मेरा बॉस किसे पसंद करता है और किसे नहीं। अब ऐसे करो कि ट्रैवल इंटरनेशनल वालों को फैक्स करो और उनको तमाम इंफॉर्मेशन दो जो जर्मन ट्रूप आने वाला है। अरे शहजाद साहब। यस सर। ये मिस्टर डेविड की वेयर अबाउट बताइए मुझे कहाँ है। मेरे ख्याल में वो पोर्ट पर होंगे, आप वहाँ उन्हें टेलीफोन कीजिए, दूसरे मिस्टर दानियाल से कहें कि मुझे टेलीफोन पर बात करें। राइट सर। ये फैक्स कर दीजिएगा नायला। एफिशिएंसी दिखाने का मौका हाथ आने की देर है फराज, कि तुम तो अपने पराए सबकी पहचान भूल जाते हो। सिर्फ एक चेहरा है जो तुम्हारे सामने घूमता रहता है। शिपिंग कंपनी की परफॉर्मेंस का ग्राफ पिछले कई सालों से बहुत खराब है। एक्चुअली बेटम पासी रहनी चाहिए और जनरल मैनेजर गुलफराज के बजाय कोई भी जा सकता है। नहीं मिस्टर गिलानी, हम इस कॉन्फ्रेंस की मेजबानी से 10 पर्दार तो हो सकते हैं लेकिन इस कॉन्फ्रेंस में हमारी शिरकत जनरल मैनेजर गुलफराज के बजाय कोई भी जा सकता है। नहीं मिस्टर गिलानी, हम इस कॉन्फ्रेंस की मेजबानी से 10 पर्दार तो हो सकते हैं लेकिन इस कॉन्फ्रेंस में हमारी शिरकत बहुत जरूरी है। लेकिन मैडम मिस्टर हम लाखों का बिजनेस लूज कर देंगे। मेरा नहीं ख्याल है कि ऐसी कोई पाबंदी है और अगर है भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मिस्टर गुलफराज आप अपने पेपर का पहला ड्राफ्ट मुझे भिजवा दीजिएगा। जी मैं कोशिश कर रहा हूँ, करीब इंशाल्लाह आप तक पहुँचा दूंगा उसे। मैडम फंड्स के इस्तेमाल की अथॉरिटी अगर वो मिस्टर यार मोहम्मद को दे दी गई है और आज ग्रुप की ऑडिट टीम भी बुला दी गई है। ये मिस्टर यार मोहम्मद पर आप कुछ ज्यादा ही ब्लाइंड फेथ नहीं करने लगी मैडम? एतमाद करने और अंधा होने में बहुत फर्क होता है। प्रोग्राम का ये हिस्सा
हेलो जी जी, लंदन के लिए कॉल बुक की थी जी। बेहतर प्लीज स्पीक टू मिसेस कुरेशी। सलामुअलैकुम आपा, मैं इल्हाम बोल रही हूँ। हाउ आर यू? मैं तो ठीक हूँ। पप्पू शहर गई हैं शॉपिंग करने के लिए। आपा, अली की कोई खबर आई? तो भाई, अली तो भाई चला गया है। नहीं, जाने से पहले तो उसने हमें नहीं बताया। मुझे पता था कि उसने स्टोर बेच दिया है। आखिरी कॉल कोई 3 हफ्ते पहले आई थी, लेकिन उसने बताया भी नहीं। आपा, अगर अली का फोन है, उसे प्लीज कह दें कि या तो उसका नंबर ले लें, या उसे प्लीज कह दें कि हमें फोन तो कर ले। नहीं नहीं, शुक्रिया, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर कुछ चाहिए होगा मैं आपको बता दूंगी। ठीक है जी, खुदा हाफिज। किसका फोन था बेटा? पापा, आपने कहा था ना कि अली का पता करूं। मैंने आपा नगमा को लंदन में फोन किया था। कहाँ है अली? दुबई चला गया। दुबई? वहां क्या करेगा? पप्पू, जब से उसे पता चला है कि बाबा ने एक दूसरी शादी कर ली है, उसे एक जिद सवार है कि वो अपना हिस्सा लेना चाहता है। बिल्कुल अपने बाप पर गया है, जिद्दी। पप्पू, बाबा लालची नहीं थे। बहुत था बेटा, बचपन में बहन भाइयों का हिस्सा हड़प कर जाता था। अब देखो ना, उसकी ये दूसरी शादी का उसके बाद पता चला। न जाने वो औरत कैसी होगी और कौन है। पप्पू, सुनने में तो ये आया है कि एक बहुत बड़ी कंपनी की मालिक है, एक बहुत अमीर औरत है। अली ने पहले बाप की दौलत को उजाड़ा, अब न जाने उस बेचारी औरत के साथ क्या करेगा। वो हमें क्या पता कि अगर वो बेचारी है या नहीं। न जाने ये लड़का क्यों दर दर फिर रहा है। यहाँ सर छुपाने के लिए जगह है ना। बाप बेटे के लुटा देने के बावजूद इतनी जमीन है कि इज्जत से जिंदगी गुजारी जा सके। जरूरत, ख्वाहिश जब हिर्स में बदल जाती है तो बढ़ती ही चली जाती है। वो अनिफ खान का बात हुआ तो दिलबर खान से वलेत में, वो बता रहे थे पाकिस्तान से आपको कोई टेलीफोन है। हाँ, उधर मेरी बहन रहती है, मेरी फूफो भी वहीं रहती हैं। और आपका वालदेन? उनकी खैरियत मालूम करने तो मैं यहाँ आया हूँ। यहाँ वो इधर होते हैं क्या? हाँ, हैं भी और नहीं भी। हैं भी और नहीं भी। अली खान, एक बात बताओ, बाप किसे कहते हैं जो विरासत छोड़ के जाता है ना? आप बिल्कुल ठीक बोला। क्या मर गया? हाँ, इधर था, मर गया और बहुत कुछ छोड़ गया यहाँ। इधर? यहाँ। और ये बताओ, माँ कौन होती है? माँ जी वो होती है जो जनती है। जरूरी नहीं कि जना भी हो। अच्छा, तो पालने वाली भी माँ हो सकती है ना? वो भी जरूरी नहीं। वो भी जरूरी नहीं है, ये भी जरूरी नहीं है। अच्छा, वो माँ जिसके पाँव के नीचे जन्नत। जरूरी नहीं कि पाँव में जन्नत भी हो, पाँव में जूती भी हो सकती है, ऊंची हील वाली। हाँ, बाप तो दौलत छोड़ गया और उस पर आपका हक भी है। एक माँ वो भी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग भाई सर। व्हाट यू लाइक सर? टू कॉफीज प्लीज। टू कॉफी ओनली सर। नो वाटर? नो वाटर, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू सर। एक माँ वो भी होती है जो बाप की बेवा होती है और उसकी छोड़ी हुई दौलत पर नागिन बनकर बैठ जाती है। अच्छा, अभी मैं आपको मसला समझ गया हूँ। मेरे लायक को खिदमत तो बोलो यार। हम लोग तो पठान लोग हैं, जिसको यार बोलता है उसके लिए जान का बाजी भी लगा देते हैं। एक बात बताओ,
वो आदमी जो उस रोज हमें मिला था, क्या दोबारा मिल सकता है? वो जो पहला टाइम आप आया था वो होटल के बाहर मिला था। वो आदमी हमारे बहुत काम आ सकता है, हमें उसे मिलना है, क्या वो मिल सकता है? वो बहुत मसरूफ आदमी है, वो इधर बहुत दौलतमंद औरत का पास काम करता है, और पिछली दफ़ा जब भी मैंने उससे मुलाकात किया बहुत देर के बाद मुलाकात किया, वैसे भी वो अंदर बाहर आता जाता कम है। क्यों, उसे मना कर दिया गया इसलिए? मना नहीं साहब, दुश्मनदारी है, शायद पाकिस्तान से कोई आदमी उसका सर लेने आ जाए। अच्छा, क्यों? ये बात आप नहीं समझेगा, पठान जब भी किसी से यारी करता है तो कब्र तक उसका साथ जाता है, और दुश्मनी, दुश्मनी तो साहब वैसे भी इंसान को कब्र तक ले जाती है। हाँ, तुम सही कहते हो, दुश्मनी तो वाकई कभी कभी कब्र तक लेकर ही जाती है। खैर, मुझे बहुत सी मालूमात चाहिए। किसके बारे में? उस शख्स की मालकिन के बारे में। आप ऐसा करो साहब, समंदर खान को छोड़ो, मैं आपको एक ऐसा आदमी के पास लेके जाता है जो दुबई का हर आदमी के बारे में मुकम्मल मालूमात रखता है। चलो तो फिर अभी चलो। नहीं भाई साहब, अभी तो मैं नहीं जा सकता है, मेरा थोड़ा काम है। देखो, मेरा छोटा भाई है ना मुनीर खान, वो आपको ले जाएगा। चलो ठीक है, लेकिन वो आदमी है कौन? वो आदमी है महफूज भाई कश्ती वाला, खुदा कसम मुलाकात करेगा ना तो तेरे को मजा आएगा। अच्छा, देखते हैं। थैंक यू, मेहरबानी है। आज मेरे को पाकिस्तान से मेरे मोबाइल पे फोन आया, ये मेरे पाकिस्तानी वकीलों ने बोला वाले, ये पाकिस्तान के समंदर में पानी गंदा हो गया है, ये मछलियाँ मर रही है, मैं दुबई के समंदर से मछलियाँ पकड़ के ना पाकिस्तानी समंदर में भेज दूंगा, तुम बेचो पैसा कमाओ, मेरे को दुआ दो, खुश रहो। ये दुआ तो चला, आजा 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 आजा, ये दुबई में था कौन जो गनी भाई मेपूज किश्ती वाला की नजरों से मेपूज हो, ये तेरे को उसका पता मैं दूंगा। हाँ महफूज भाई, इसीलिए तो हम आपके दीवाने हैं, दुबई में ऐसा कौन सा काम है जो यहाँ आकर मुमकिन नहीं हो जाता? ए, तभी तो तूने इतने दिनों बाद मेरे को शक्ल दिखाई, काय को है ये दीवाने, हाजिरी देती रहती है, ज्यारत होती रहती है। कसम ले लो महफूज भाई, उस रोज आपसे मिलने को बहुत जी चाहता था। ए, कौन सा रोज? यासर साहब के डिनर पर दूर से देखा था आपको, सोच ही रहा था कि आपके पास मौका मिलते ही पहुंच जाऊंगा, लेकिन आप तो दुबई के बड़े बड़े सेठों के बीच बैठकर किरण उड़ा रहे थे, हम तो बहुत छोटा आदमी दिखाई देने लगा। ये सब एक जैसा है, सब एक जैसा है अंदर से। ए, महफूज भाई की आंखों से देख, क्या तो क्या साला वो सेठ, कोई भी एक नंबर नहीं है, कोई साला एक नंबर नहीं है। ये ले उसका नंबर, आ रख रख। बहुत बहुत शुक्रिया महफूज भाई, ये छोटा सा नजराना है, कल ही सिंगापुर से माल आया था, असली हीरे जड़े हुए हैं, आपकी आस्तीन पे सजेगी, खूब सजेगी। ए, ए, इसकी क्या जरूरत है? ए, 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 इसकी क्या हीरे? ए, गनी भाई मेपूज किस्ती वाला ना अपनी आस्तीन छांटता रहता है, ये बहुत शाम गुजरी रहती है ना इसके अंदर, हाँ इसीलिए।
क्या बताओ भाई? ठीक है, अब तो ऐसा कर, मेरे ड्राइवर को बोल के तेरे को छोड़ दे। हाँ खुदा वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। वे तू वक्त पे क्यों नहीं आता है? आता है चल इधर आओ भाई, आओ बैठ के बात करते हैं। आज बात सलाम अलैकुम इस्माइल भाई, किधर है? ए वो लेबर को क्लियर कर दिया? शाबाश इस्माइल भाई, तेरा तो ये सारा काम है, तू तो बैठ, इसको काय को बिठाया काय को। हाँ चल भाई चल, आज बैठ गया छोड़ा होके। देखो भाई काम करना, काज का सो मन ना। आज भाई आज 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 आओ, आज आओ, आज आज बैठो 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 बैठो। शाबाश शाबाश। वो का भी ताजा नहीं किया इन पागलों ने। ये कौन, काय को इधर? गनी भाई, ये अली भाई विलायत से आए। उधर तो कुल्फी जमती होगी ना चर्दी से। अच्छा वो इधर आ गया। मजबूरियां मौसमों को नहीं देखती गनी भाई। ए मेरे को ये ना बता कि ये मजबूर है। ए गनी भाई, बेपूज किश्ती वाले के पास ये खुशी से चल के तो नहीं आया ना? हाँ। ए, 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 विलायत की पैसे इधर ना निकाल, अपनी जेब में ही रहने दे। ए, इस मौसम में तेरे पैसे पिघल जाएंगे। ये पहले काम बोल फिर दाम। गनी भाई इन्हें किसी तक पहुंचना है। ए सिमटम बता देंगे, रास्ता ढूंढना इसका अपना काम है। ए शेर आती जाएगा या पक डंडी टिटोलेगा, इसकी मर्जी। हाँ रास्ता ही समझना है गनी भाई। किस तक पहुंचना है? आज। और अभी है? देखो बेटा, मुस्तकबिल की फिक्र करनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ अपना मुस्तकबिल। वो तो ठीक है, लेकिन हमें ऐसा भी नहीं करना चाहिए जिससे कंपनी को नुकसान पहुंचे। बाय द वे नवीद, ये तुम्हें कंपनी से इतनी हमदर्दी कब से होगी? देखो बेटा, मैं तुम्हारा बॉस ही नहीं बल्कि सुसर भी हूं, और सुसर बाप के बराबर होता है। क्या थे तुम बेटा पाकिस्तान में? देखो मैं तुम्हें यहां लेके आया, घर बार दिया, अपनी अपनी बेटी से शादी की तुम्हारी, सब कुछ दिया तुम्हें मैंने। मैं भी तो यही कह रहा हूं, दामाद और ससुर का रिश्ता 7 बजे के बाद, और इससे पहले हम कंपनी के मुताबिक। तुम मुझे इखलाकियात सिखाओगे? मैं जो कुछ भी कह रहा हूं मैं ठीक कह रहा हूं। ये सब कुछ जो कुछ भी है ये किसका है, तुम्हारा और सवेरा का? ओहो, मैं कब रोक रहा हूं आपको? मैं तो सिर्फ इतना चाहता हूं कि हर बात क्लियर और वाज़े होना चाहिए। इस मुल्क में हर बात कागज पर आ जाती है। ओह गिव मी अ ब्रेक। तुम सिखाओगे डैडी को इस मुल्क के कानून? डैडी 25 साल से खुद यहां रह रहे हैं। कानून, ऑडिट और विजिलेंस बहुत बदलाव होते हैं इस मुल्क में। उस रोज वो गुलफराज खान, उसका नाम मत लो मेरे सामने। लुक नवीद, डैडी तुमसे सीनियर है, शहर में भी, ऑफिस में भी और घर में भी। ओहो, आप लोग मेरी बात सुन तो लें। बॉस ने उसे कंपनी के ओवरऑल परफॉर्मेंस के बारे में रिपोर्ट लिखने को कहा था। तो यकीनन उसने उस रोज शिपिंग कंपनी के बारे में बेइत्मीनानी का इजहार किया होगा। नो नो नो, जस्ट हैंग ऑन। और तुम्हारे ख्याल में इस रिपोर्ट को सच मान लिया जाएगा? बिल्कुल, उसकी हर रिपोर्ट प्रूफ समेत है और ऑथेंटिक है। देखें, लोग बहुत होशियार हैं, हर बात पे नजर रखते हैं। सर, गोल्ड की कीमत बहुत गिर गई है। ये 21वीं सदी है और इस सदी में बिजनेस भी अपने रंग बदलेगा। घबराने की जरूरत नहीं है।
सर स्मिथ ने फिर मार्केट में हमारी रेपुटेशन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। अब वो ओछे हथकंडों से इंतकाम लेने की कोशिश में है। हमें सिर्फ आज ग्रुप ऑफ कंपनीज की रिपोर्ट पेश करो। अगर गल्फ में हमारा किसी से मुकाबला है तो वो सिर्फ आज है। सर प्रॉब्लम ये है कि वो कंपटीशन पे बिल्कुल बिलीव नहीं करती। हम करते हैं। हम करते हैं। तरक्की करने के लिए मजबूत दुश्मन की जरूरत होती है। अकेला घोड़ा भागते भागते थक जाता है। अपनी रफ्तार का अंदाजा उसी वक्त होता है जब आप किसी तेज चीज को ओवरटेक करते हैं। और फिर आज हमारे गुजरे कल में भी झलकती है और आने वाले कल के लिए महमीज है। दवा खानी है डॉक्टर नासिर से बात करके मेरी डोज कम करा दो। डोज तो वो पहले ही कम कर चुके हैं लेकिन आपका इस तरह रात को जाग जाना और आई डोंट थिंक यू कैन अफोर्ड इट। आधी नींद और सारी रात। प्लीज दैट्स नॉट राइट। मेरी मिस्टर दानियाल से मीटिंग हो चुकी है? हाँ हो गई है। एंड आई थिंक अगर मेमोरी का यही हाल रहा ना तो डोज बढ़ानी पड़ेगी, कम नहीं करनी पड़ेगी। एक बात करनी थी। करो। मिस्टर दानियाल के बारे में यू बेटर बी वेरी केयरफुल फॉर हिम। मेरे ख्याल में वो आदमी काबिले एतमाद नहीं है। जानती हूँ लेकिन बाज़ औक़ात में अपनी छोटी छोटी जजमेंट्स एक्सप्रेस नहीं कर सकती। इतने लोगों की एक्सपेक्टेशंस है मुझसे, बहुत सारी चीजें संभालनी होती हैं, गवर्नमेंट मीटिंग्स, डील्स, क्या क्या देखूं मैं। एनीवे इन सब कंपनीज को एक बैलेंस नजर से हैंडल करना पड़ता है मुझे। मैं तो खुशकिस्मत हूँ, इतनी अच्छी टीम मिल गई मुझे, तुम और फराज। वो भी तो बहुत मेहनती है। कभी कभी मैं सोचती हूँ अगर जमशेद बदरुद्दीन जिंदा होते तो हैरान रह जाते इतनी बड़ी एम्पायर देखकर। उनकी डेथ के बाद जिस तरह बिजनेस प्रोग्रेस किया है द क्रेडिट गोज टू यू। तुम एक और शख्सियत को भूल रही हो जिसकी रहनुमाई। जानती हूँ, हमाद बिन साले। खैर तुमने कोई कंपनी पोस्टिंग्स और ट्रांसफर के बारे में कमेंट्स लिखे थे। बुधा कुछ बता रही थी। हाँ, आई वाज रिफरिंग टू मिस्टर नवीद इफ्तिखार। दानियाल का दामाद काफी जहीन और मेहनती आदमी है। खैर जहीन और मेहनती तो दानियाल भी है, शायद एम्बिशंस में जरा फर्क है। मगर एज पर मैनेजमेंट पॉलिसी एक खानदान के दो अफराद को एक डिपार्टमेंट में नहीं होना चाहिए क्योंकि खानदानी मफादात डिपार्टमेंटल इंटरेस्ट पर हावी हो जाते हैं। वो क्या बिलीव करती है और क्या नहीं, आई जस्ट डोंट केयर। वी गॉट टू केयर। देखो सैरब, अल्लाह ने इंसान ही को इंसान का वसीला बनाया है और एक वर्कर पर लाजिम है कि वो अपने मालिक के मुफाद में सोचे। हमें आज और आज ग्रुप की बेहतरी और भलाई के लिए सोचना है। ये तुम्हारा इशारा हमेशा डैडी की तरफ क्यों होता है? आखिर उन्होंने ऐसी क्या ज्यादती कर दी? अपना काम कर रहे हैं और आज ग्रुप के साथ आज से नहीं जमशेद बदरुद्दीन के वक्त से काम कर रहे हैं।
काम तो कर रहे हैं लेकिन लेकिन समीरा उनका ध्यान हमेशा अपने जाती मफादात की तरफ होता है। नवीद, डैडी बताते हैं कि जब जमशेद बदरुद्दीन का इंतकाल हुआ तो कंपनी बहुत नुकसान में चली गई। फिर सारी टीम के वर्कर्स ने बहुत मेहनत की और देखो आज अगर वो तरक्की पे हैं तो इसमें तुम्हारा क्या मसला है? मैं चाहता हूं कि हम बेफिक्र ना हो, हमें मुसलसल दयानतदारी के साथ अपना अपना काम अपना अपना हिस्सा कंट्रीब्यूट करना है। ओ प्लीज, तो करते रहो कंट्रीब्यूट, कौन मना कर रहा है तुम्हें? कंपनी में इन दोनों किरदारों की प्लेसमेंट के पीछे हमाद बिन साली की धनाई है, जो मुस्तकबिल को दूर से देख लेते हैं, जैसे रेगिस्तान में शराब के पीछे दौड़ता हुआ हिरन शिकार होने से पहले उनके निशाने की जब्त में होता है। एंड व्हाट अबाउट मिस्टर फराज? फराज एक जज्बाती आदमी है, मैं उसके इमोशंस की कदर करती हूँ। सिर्फ कदर करती हैं? औरत ऐसे जज्बों की कदर जरूर करती है वफा, चाहे उसकी सोशल स्टैंडिंग, लाइफस्टाइल, जो भी कुछ भी हो। आई फील सॉरी फॉर हिम बट आई जस्ट कांट हेल्प इट। वन रियली कांट हेल्प इट। मुझे नहीं पता कि फराज का मुस्तकबिल क्या होगा। मुस्तकबिल किस सेंस में? उसकी जज्बाती जिंदगी का मुस्तकबिल क्या होता है? आज के होते हुए कल का क्या सोचना? कोई रोक नहीं सकता, रोका उसे जाता है जिसे रुकने का बहाना चाहिए, और हम तो अपने रास्ते में आए रुकावटों को रुक कर एक नजर देखते भी नहीं। सर वैसे ही हो, ठोकर लग सकती है। जस्ट का अंदाजा है हमें। सर से ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस नुकसानदेह हो सकता है, उसके लिए हम हमेशा तैयार रहते हैं। सर यू फुर्ती कभी कभी मुंह के बल गिरा देती है। चुस्त होने और फुर्ती दिखाने में फर्क होता है दानिया, अब फास्ट होने की बजाय अलर्ट होने की जरूरत है। सर मैं आपको यही बताने आया था, गुलफास ने ऑडिट और विजिलेंस की टीम कॉल कर ली है और अकाउंट्स के लिए उसने यार मोहम्मद को अपॉइंट कर दिया। मिस्टर दानिया, तुम्हें कई बार समझाया है कि अगर उस कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन देनी है तो दफ्तर में मत आया करो, मुझसे मोबाइल पर रابطہ कर लो, हम कहीं बाहर भी मिल सकते हैं। सर दैट्स गुड आइडिया सर, नेक्स्ट टाइम मैं यही करूंगा। ओके सर, खुदा हाफिज। मिस्टर दानियाल, एक बात का खास ख्याल रखना, बेदारी की आंख जहां होती है